हेलो एवरीवन, आज की इस वाली वीडियो में कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करना सीखेंगे। इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन में क्लिक करना होगा। इस प्लस वाले आइकन में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर आपको जिस भी फ़ोटो को एडिट करना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद पेंसिल के आइकन में क्लिक करेंगे और पेंसिल के आइकन में क्लिक करने के बाद विंटेज में क्लिक करेंगे। विंटेज में क्लिक करने के बाद 12 नंबर को सिलेक्ट करना है और 12 नंबर को सिलेक्ट करने के बाद सेचुरेशन को फुल्ली डिक्रीज कर देंगे। सेचुरेशन को फुल्ली डिक्रीज कर लेने के बाद विंटेज स्ट्रेंथ में आएंगे और इसको इनक्रीज कर देंगे, डन कर देंगे। और डन करने के बाद एडिट स्टैक में क्लिक करेंगे और विव एडिट्स में क्लिक करेंगे। विव एडिट्स में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। उसके बाद फिर विंटेज में क्लिक करना है। विंटेज में क्लिक करने के बाद ब्रश में क्लिक करना है। ब्रश में क्लिक करने के बाद इन्वर्ट में क्लिक करना है। उसके बाद फिर साइज जीरो हो जाएगा, साइज जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपने स्किन से जो इफेक्ट लगा है उसको हटाना है। स्किन पूरा अपने स्किन से और बॉडी से जितना भी इफेक्ट लगा है उसको इरेज कर देना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अच्छे से इरेज कर लेने के बाद डन कर देंगे और डन करने के बाद बैक करेंगे और बैक करने के बाद फिर से पेंसिल के आइकन में क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन में क्लिक करने के बाद डबल एक्सपोजर में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर गैलरी का आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये वाला रिंग लाइट है उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये बीच वाले में क्लिक करना है। उसके बाद फिर इसको लाइटन करना है। लाइटन करने के बाद डन कर देंगे और डन करने के बाद एडिट स्टैक में क्लिक करेंगे, व्यू एडिट्स में क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर में क्लिक करेंगे और ब्रश में क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर इन्वर्ट करेंगे, फिर साइज को फुल्ली डिक्रीज कर लेंगे और इसको इरेज करेंगे। इतना कर लेने के बाद डन कर देंगे और डन करने के बाद बैक कर देंगे। बैक कर लेने के बाद पेंसिल के आइकन में क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर में क्लिक करेंगे, गैलरी का आइकन दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे और इस वाले लाइट को ऐड करना है। उसके बाद फिर बीच वाले में क्लिक करना है और इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डन कर देंगे, एडिट स्टैक में क्लिक करेंगे, व्यू एडिट्स में क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर में क्लिक करने के बाद ब्रश में क्लिक करेंगे और साइज़ को 50 कर देंगे और यहाँ पे इन्वर्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर अपने स्किन पर इसको चला देना है ऐसे ब्रश को, ताकि इफेक्ट पूरे इमेज में लगे। उसके बाद फिर डन कर देंगे। उसके बाद फिर पेंसिल के आइकन में क्लिक करेंगे और वाइट बैलेंस में क्लिक करेंगे। टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे ताकि हमारे इमेज में ब्लू टोन आ जाए। उसके बाद फिर डन कर देंगे। डन करने के बाद हम लोग का फ़ोटो एडिट हो गया, सेव करें। अब इस फोटो को सेव करेंगे। सेव करने के लिए इस वाले आइकन में क्लिक करेंगे और सेव में क्लिक कर देंगे।